एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। विंटर के सीजन में गुलाब की बात ही कुछ और होती है और इस वक्त हमें उसे उसकी ऐसी केयर करनी चाहिए कि वो मार्च तक हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे। वैसे तो मेरा प्लांट नवंबर से ही बहुत बढ़िया खिल रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम से वो थोड़ा रुक सा गया है, क्योंकि प्लांट लगातार जब फ्लावरिंग करते हैं उसके बाद एक रेस्टिंग पीरियड आ जाता है। लेकिन आपको अगर उसका सीजन है तो आपको फिर से उसे रेडी करना है फ्लावरिंग के लिए, तो आज मैं वही करने जा रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कुछ मैंने गुलाब के प्लांट रखे हुए हैं और इसकी कंडीशन पहले देखें आप, बहुत हेल्दी है। ये देसी गुलाब है मेरे, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, इसकी वजह से मैं इंग्लिश गुलाब या किसी भी तरह के हाइब्रिड गुलाब रखने की कम कोशिश करती हूँ, क्योंकि गर्मी में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ प्लांट मेरे ख़राब भी हो गए थे बहुत केयर करने के बावजूद भी, तो कोशिश करें देसी गुलाब उगाने की जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो यहाँ आप जो भी मेरे प्लांट, कुछ प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखे हुए हैं, तो इसकी कैसे केयर करनी है। और अभी इसका बहुत बढ़िया, ये जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये चार महीने होते हैं, वो गुलाब के लिए बहुत बढ़िया ग्रोइंग पीरियड होता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप जैसे देख रहे हैं इक्का दुक्का फूल लगे हुए हैं इसमें, ऐसे पचासियों फूल इसमें लगे हुए थे कुछ दिन पहले। और यहाँ भी आप देख सकते हैं वाइट रोज है, पिंक है, रेड है मेरे पास दो तीन, और वाइट कलर के भी हैं। तो यहाँ पे आप देखें, आपको अगर नज़दीक से दिखाना चाहूँगी कि इसमें मैंने क्या किया है कि लगातार फ्लावरिंग कर रहा है और अभी इसमें देखेंगे तो नए नए शूट्स निकल रहे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले अपने इस प्लांट में कुछ कटिंग की थी, हल्की सी प्रूनिंग की थी, उसके बाद इसमें देखें फिर से छोटे छोटे से ये निकलते जा रहे हैं, कलियाँ बन रही हैं, लीफ निकल रहे हैं। जब इस तरह से यहाँ पे देखें, इस तरह से जब नए लीफ निकलने लगें तो समझ जाएं कि अब इसमें कलियाँ बनने वाली हैं। तो आज मैं आप लोगों को अपने एक दो प्लांट पे दिखाऊंगी कि इस वक्त करना क्या है हमारे प्लांट में। जब आपका प्लांट फ्लावरिंग करके थोड़ा रुक जाए उसके बाद हमें किस तरह से केयर करनी चाहिए, क्योंकि रोज़ एक ऐसा प्लांट है जो बहुत डिमांडिंग होता है। आप उसको ऐसे ही किसी और प्लांट की तरह नहीं छोड़ सकते हैं कि खाद पानी दे दिया और बस भूल गए, ऐसा नहीं है। इसको हर 15 दिन में आप इस ग्रोइंग पीरियड में अच्छा फर्टिलाइज़र अवेलेबल कराना है, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं अपने प्लांट में क्या करूँगी। उसके बाद टाइम टू टाइम इसकी गुड़ाई करनी है, इसमें जितने भी घास साइड साइड में निकलते हैं, वीड निकलते हैं, उन सबको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलाब ऐसे ही बादशाह नहीं कहलाता। इसको बिल्कुल अकेला रहना पसंद है, कोई भी कंपेनियन प्लांट इसको पसंद नहीं, किसी तरह की वीड पसंद नहीं। तो इसलिए हमारे गुलाब के प्लांट के आसपास की जो मिट्टी है, चाहे आपने ज़मीन में लगा रखी है या गमलों में लगा रखी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इस वक्त आप मल्चिंग से भी बच सकते हैं, क्योंकि मैं तो गर्मियों में इनको बचाने के लिए, इनको ठंडा रखने के लिए मल्च करती हूँ सूखी पत्तियों से, लेकिन इस वक्त मैं सारे मल्च इनके निकाल देती हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से इनको रेडी करना है। यहाँ पे देखें, ये देसी रोज का प्लांट है और ये कितना बुशी है, बहुत हेल्दी प्लांट है ये। और अभी इसकी फ्लावरिंग कुछ दिनों पहले ही बंद हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं स्पेंट फ्लावर। और आपको दिखाना चाहूँ, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये सीड पॉड बनाने लगता है। आप यहाँ पे देखें, उभरे उभरे ओवल शेप में आपको नीचे दिखेंगे, ये सीड पॉड जैसे ही बनने लगते हैं तो आपका प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देगा, सारा फोकस उसका सीड बनाने पे लग जाता है और आप देखेंगे कि आपके गुलाब में फ्लावर नहीं खिलेंगे। यहाँ पर भी देखें इसी तरह के कुछ हैं, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में इकट्ठे ही 20-25 गुलाब इस तरह से लग जाए, तो भी उसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। कि जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पांच पत्तियाँ और तीन पत्तियाँ इस तरह से निकलती हैं, जैसे इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको तीन पत्ती दिख रही होगी, फिर जैसे जैसे नीचे जाते हैं स्टेम मोटी होती जाती हैं, वहाँ पर आपको पाँच पत्तियाँ दिखेंगी। तो हमें क्या करना है, जहाँ से ये मोटी स्टेम है वहाँ से कट कर देना है,
जैसे मैं यहाँ से कट करना चाहूँगी, ये देखें इस जगह से इस ब्रांच को हमें कट कर देना है, ये मैंने इतना कट कर दिया है। अब आप कुछ टाइम बाद देखेंगे, देखें यहाँ से भी न्यू शूट निकल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इन्हें रहने दूंगी तो हमारे फ्लावर उतने अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए कोशिश करें जहाँ से 5 पत्ती निकल रही है और जहाँ ब्रांच थोड़ी मोटी है वहाँ से कट करें। यहाँ पे जो हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और यहाँ से जो शूट निकलेगा वो बहुत मजबूत होगा और उसमें कलियाँ भी मोटी बनेंगी, फ्लावर का साइज़ बड़ा होगा। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से मैं इसमें जहाँ जहाँ भी इस तरह का है, ये देखें जैसे यहाँ पे एक फ्लावर हो गया है, यहाँ पे 3-3 पत्तियाँ आपको दिख रही होंगी, वहाँ से हमें नहीं काटना है, 5 पत्तियों वाले स्टेम से नीचे से इस तरह से कट कर देना है। ये प्रून करने का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम एक साथ ही इसे सारे जगहों से प्रून कर देंगे जहाँ जहाँ से 5 पत्तियाँ निकल रही हैं और मोटे मोटे ब्रांचेस हैं, ये देखें। और हाँ, एक और बात, अगर इसमें छोटी छोटी कलियाँ निकल रही हैं और हमने इस तरह से ट्रिम किया तो ये पहले एक आध फूल खिलेंगे, फिर एक आध कहीं से निकलेगा, लेकिन अब आप अगर चाहते हैं कि इकट्ठे फूल खिलें तो आपको इनका लालच छोड़ना होगा, ये जो कलियाँ निकल रही हैं इनका लालच छोड़ना होगा और आपको इसी तरह से पहले प्रून कर लेना है अपने पूरे प्लांट को। जैसे देखें मैं यहाँ से ये सारा, अब ये छोटी कलियाँ हैं, मैं इसको बनने नहीं दूँगी, इसको प्रून कर दूँगी। इससे आपका प्लांट भी सुंदर हो जाता है, उसी सुंदर, और ये देखिए सारी कलियों को हमें निकाल देना है। इसी तरह से आप देखें यहाँ पे एक ब्रांच है जो बिल्कुल लेगी होता जा रहा है आगे की तरफ, ये दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें भी एक सीड पॉड है और एक कली है, मैं इसका लालच बिल्कुल नहीं करूंगी और मैं चाहती हूं कि मेरा प्लांट एक ही साथ इकट्ठे फ्लावरिंग करे, इसलिए मैं इसे भी यहां से कट कर दूंगी। 5 पत्तियों के नीचे से हमें कट कर देना है। अब आप देखें ये प्लांट बिल्कुल सही दिख रहा है और इसमें कोई भी जो भी इसमें डेड ब्रांचेज हैं उन सबको भी हमें निकाल देना है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है, क्योंकि गुलाब को स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशल फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें कैल्शियम न्यूट्रिशन के तौर पे बहुत ज़रूरी है देना। और अब मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है पूरी तरह ऑर्गेनिक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुलाब हाई फीडर प्लांट है, उसे फूल खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें ग्रोइंग पीरियड में 15-15 दिन पे अवेलेबल कराते रहना चाहिए। तो मैं इसमें क्या डालती हूँ, क्या डालने जा रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये सारा कुछ इजीली अवेलेबल है और बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत है और ये पूरा ऑर्गेनिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्मी कम्पोस्ट है। वर्मी कम्पोस्ट किसी भी प्लांट के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, इसे मैंने लिया है। और ये नीम की खली है, नीम की खली ज़रूर डालें अपने गुलाब में, क्योंकि ये, और इसको रेगुलर नहीं डालना है, इसको मंथ में या 2 महीने में एक बार थोड़ा सा डाल दें, जिससे आपका गुलाब फंगस से बचा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फंगल प्रोन होता है। और ये देखें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है बोन मील। मैं बोन मील का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ क्योंकि ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। और अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक्शेल यूज़ करें, या फिर मार्केट में इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें जैसे कि आपको रॉक फास्फेट मिल जाएगा, वो बहुत बढ़िया सोर्स होता है कैल्शियम का, वो आप डाल सकते हैं। और सेम अमाउंट डालना है, जैसे मान लें कि इसका 1 चम्मच डालना है तो आप उसका भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। और यहाँ देखें ये मेरी टी लीफ कंपोस्ट है, ये ऐसे बन चुकी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप ज़रूर देखें। स्पेशली गुलाब के लिए ये बहुत बढ़िया होती है, इसमें एक्सेल मिला हुआ है, जो अगर आप इस तरह का कंपोस्ट बनाते हैं तो आपको बोन मील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और बहुत बढ़िया इस्तेमाल ये कॉफ़ी पाउडर है, चूँकि हमारे रोज का प्लांट एसिडिक सोयल पसंद करता है, इसलिए अगर आप ये 1 चम्मच मिलाएंगे अपने किसी भी गुलाब के प्लांट में, फिर आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे कितना बढ़िया आता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको इसे
गुलाब के अलावा और किसी पौधे में ना डालें, ध्यान से इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं कैसे इसका इस्तेमाल गुलाब में कर रही हूँ और मैं रिज़ल्ट भी आपको इसका ज़रूर दिखाऊंगी एक डेढ़ महीने बाद कि क्या इसका असर होता है। देखें, ये हल्दी पाउडर है जिसका मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ अपने बहुत सारे प्लांट्स में और रोज़ में भी आज इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, इसको आप अपने प्लांट में ज़रूर डालें और अगर ज़रूरत हो तो एक चम्मच एक लीटर पानी में डाल करके आप इस पर स्प्रे भी कर देंगे, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अभी मैं इन सबको मिट्टी में इसके मिला दूँगी। मिट्टी में कैसे मिलाना है आप देखें, पहले बहुत अच्छे से इसकी गुड़ाई कर लेनी है, सारे वीड्स हटा लेने हैं, अपनी मिट्टी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, स्पेशली गुलाब को। अगर आपने मल्च किया हुआ है तो उसे बिल्कुल हटा दें इस मौसम में। ये देखें, ये सारा हमने हटा लिया। अब हम इसके स्टेम से थोड़ा किनारे किनारे इस तरह से मिट्टी को ऐसे एक गड्ढा सा बना लेंगे और उसमें हम अपने जो भी ये हमने फर्टिलाइज़र रखा है इसको ऐड करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का वो नहीं है कि किस तरह से इस्तेमाल करना है, बस मैं अंदाजे से इस्तेमाल करती हूँ। एक एक मुट्ठी के हिसाब से आप इस तरह से डालें। जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा कितना बड़ा पॉट है, तकरीबन 12 इंच का पॉट है। इसमें हमें एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालना है इस तरह से, थोड़ा सा एक चम्मच के करीब हमें ये नीम की खली डाल देनी है और थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा फीड ना करें क्योंकि 15 दिन बाद हम इन सारे को फिर से रिपीट करेंगे। एक चम्मच के करीब इस तरह से बोन मील डालेंगे, ऐसे डाल लें। और ये चाय की पत्ती एसिडिक मिट्टी बनाने के लिए, ये जो मेरी बनी हुई है या आपके पास धुले हुए चाय की पत्ती है तो आप उसका इस्तेमाल करें, लेकिन ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब आप किसी चीज़ का खाद बनाते हैं तो वो प्लांट के द्वारा बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए हम ये डाल देंगे। अब ये मैजिकल फर्टिलाइज़र है गुलाब के लिए, ये है कॉफ़ी पाउडर और बहुत थोड़ा हमें इस्तेमाल करना है। छोटे चम्मच से आप एक चम्मच ले लेंगे तो काफ़ी है, इतना इतनी सी मात्रा काफ़ी है। ये नाइट्रोजन का भी बहुत अच्छा सोर्स है और इस तरह से हमने इसको डाल दिया। मैंने जो आपको ये सारे फर्टिलाइज़र बताए हैं इसमें नीम खली का इस्तेमाल आप बार बार नहीं करेंगे, बस एक बार ग्रोइंग पीरियड में कर दें। और बाकी जितने ये सब मैंने आप लोगों को बताए हैं इनका यूज़ आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। बस हमें इसे ढक देना है इस तरह से मिट्टी से, जो मैंने साइड में मिट्टी लगाई थी, और पानी दे देना है अच्छे से। जब भी आप इस तरह का खाद दें, मिट्टी सूखी रहनी चाहिए, उसके बाद खाद डालने के बाद आप अच्छे से वाटरिंग कर दें और इसका रिज़ल्ट आपको कुछ ही दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा और भर भर के फ्लावर आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।